हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, बहुत खुश होंगे। अपने घर थोड़ी थोड़ी जो है शादी की झलकियाँ मैं लेके आई हूँ। मेहंदी बरात पे तो मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, कुछ भी नहीं कर सकी, और वलीमे वाले दिन भी मैं ऐसा कुछ भी नहीं बना सकी। बट थोड़ा बहुत जो है ना वापसी का मेरे पास है, तो वो मैं जो है ना आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो यहाँ पे जो है ना मेहंदी से एक दिन पहले का है, यानी कि फ्राइडे को मेहंदी थी, तो थर्सडे का है दिन का। यहाँ पे जो है ना मैं अपना सारा मेकअप जो है ना वो सही करके रख रही थी, और तो मैंने तो पार्लर से तैयार होना था, लेकिन जो है घर में मम्मा ने और खाला ने होना था, तो उनके लिए चीज़ें जो है ना जो उनके स्किन टोन की हैं वो मैं जो है ना निकाल के रख रही थी। और ये जो है ना मैं शेल्फ़ पे रख दूँगी, ताकि अगर मैं आने में लेट हो भी जाऊँ तो मम्मा को आराम से चीज़ें मिल जाएं और वो जो है ना यूज़ कर सकें। तो मैंने अपने इस्तेमाल की जो चीज़ें थी ना वो बिल्कुल पीछे पीछे कर दी थी, और जो ये बड़े बड़े आई शेडो पैलेट्स वाला थे ये मैंने सारे जो है ना एक ही बॉक्स में डाल के रख दिए थे। और यहाँ पर जो है ना मुझे रियलाइज़ हुआ, उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कितना ज़्यादा मेकअप है मेरे पास। कुछ लोगों के पास इससे भी ज़्यादा होता होगा, लेकिन मतलब मेरे लिए संभालना मुश्किल हुआ पड़ा है। बट अब जो है शादी से फारिग हो गए, अब जो है मैंने बिल्कुल सब कुछ जो है ना वो पैक करके रख लिया है। तो इस बॉक्स में जो है ना बिल्कुल ना यूज़ होने वाली चीज़ें मैंने रखी हैं आई शेडो पैलेट्स, क्योंकि मम्मा जो है ना आइज़ पर कुछ भी नहीं लगाती, बिल्कुल भी नहीं। अगर लगाएंगी तो ब्राउन कलर लगाएंगी, तो वो जो है ना एक पैलेट मैंने अलग कर ली थी। और इसी में जो है ना मैंने अपनी सारी आई लैशेज डाली थी। और यहाँ पर देखिए मेरे पास 5 से 6 आई लैशेज हैं, लेकिन बरात वाले दिन मेरी ये सारी आई लैशेज पता नहीं कहाँ घूम गई थी, मुझे मिली ही नहीं। तो फिर और वलीमे वाले दिन में भी मैंने न्यू मंगवाई, और बरात वाले दिन मैंने पॉले वाली से कहा था कि मुझे लगा दो, आई विल पे यू। तो इस तरह मेरे साथ सीन हुआ। तो कोई नहीं, शादी वाला घर था, इतना तो होना बनता ही था। तो लेकिन उसकी जो थी ना उसकी लैशेज से जो है ना मेरी आँख बहुत ज़्यादा बंद बंद आ रही थी, और यहाँ पे एक साइड का था ही नहीं, मैंने अपने ध्यान में जो है ना उठा लिया। तो यहाँ पे जो है ना सारी चीज़ें जो है ना सेट कर चुकी हैं। यहाँ पे देखें मैंने सुरमा रख दिया और ब्राउन जो है वो लिपस्टिक रख दिया, यही जो है ना मम्मा यूज़ करेंगी। रेड तो मम्मा नहीं यूज़ करती, लेकिन कोई मेहमान वगैरह मांग लेता तो उसके लिए मैंने यहाँ पर संभाल के रख ली। तो जी सारी सेटिंग वगैरह हो गई थी, यहाँ पे सब चीज़ें जो है ना मैंने रख ली थी। उसके बाद हम लोगों ने तैयारी स्टार्ट कर दी ब्राइडल शॉवर की। हमारा प्लान जो था ना वो बहुत अच्छी डेकोरेशन करने का था, लेकिन टाइम की कमी की वजह से कुछ भी जो है ना जैसे हम चाह रहे थे वैसा नहीं हो सका। सिर्फ ब्राइडल शावर का वैसा नहीं हो सका, बाकी मेहंदी बरात वाली मैंने अलहमदिल्ला बहुत 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 अच्छा हुआ। तो थोड़ी थोड़ी क्लिप्स हैं मेहंदी और बरात की तो मेरे पास नहीं है, बट वलीमे की थोड़ी बहुत हैं, वो भी वापसी आके हैं। होल की मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो जब मेरे पास वो वीडियो आएगी ना फिर मैं उसमें से थोड़ी थोड़ी हाईलाइट्स जो है ना अगर शेयर करनी हुई तो मैं जब कर दूँगी। तो बट यहाँ पे जो है ना मेरी हेल्पर थी अबीरा इशार और माशाल्लाह इन्होंने एक बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। और यहाँ पे जो है ना अबीरा इस तरह करी थी, एक खिला रही थी और जो फूल जाता था वो एक हाथ में पकड़ कर दूसरा स्टार्ट कर देती थी, क्योंकि गिरा मैंने लगानी होती थी, तो वो जो है ना इस तरह स्टार्ट कर देती थी कि टाइम बचेगा वो हमारा इस तरह। तो यहाँ पे जो है ना हमने थोड़ी सी जो है ना डेकोरेशन कर ली थी। और वैसे जो था ना मैंने 8 स्टेप मंगवाई थी, लेकिन 8 स्टेप हमें मिली नहीं थी, जिसकी वजह से जो है ना हम बैकग्राउंड नहीं बना सके, वरना मेरा पूरा इरादा था। और जब मैं बैलून्स जोड़ के वो बनाना चाह रही थी तो उसकी वजह से जो है ना बैलून्स बहुत ज़्यादा फट रहे थे। तो खैर डेकोरेशन करने के बाद सीधा मैं आ गई छत पर, क्योंकि यहाँ पर जो है ना हम लोगों ने शादी वाले कपड़े जो है ना धो के डाले हुए थे, और ये मेहंदी से एक दिन पहले का है, पहले भी आई थिंक सो मैं बता चुकी हूँ। तो यहाँ पर जो है ना मैं ऊपर आई थी, मैंने सोचा चले मैं आप लोगों ने लाइट्स भी दिखा देती हूँ घर में जो लाइट्स लगाई हुई हैं, और यहाँ पर जो है ना कपड़े दिखा देती हूँ। इसके बाद जो है ना वीडियो आएगी कि मैंने अपनी बहन की शादी पे क्या क्या पहना, ठीक है। मेहंदी माइयों का तो नहीं होगा, या मैं पिक शेयर कर दूँगी उसकी भी, आप लोग साथ साड़ी पहनी थी और मेहंदी बरात पड़ी माँ सब, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना हम लोगों ने पूरी जो है ना पतीला भर के बनाया था मैक्रोनी का, क्योंकि मेहमानों ने आना था और हमने यही सोचा था कि मैक्रोनी बनाएंगे, क्योंकि सब जो है आई थिंक सो खाना खा के आएंगे, अगर खाना नहीं भी खाया होगा तो मैक्रोनी खा लेंगे। तो यहाँ पे जो है ना केक जो थे ना वो कजन्स की तरफ से थे, तो थैंक यू यार, बहुत मज़े के थे केक। तो यहाँ पे जो है ना 2 केक थे, एक था लेयर्स का और एक था केक्स एंड बेक्स का, और एक चॉकलेट फ्लेवर था और दूसरा भी आई थिंक चॉकलेट था, मुझे सच में नहीं याद ना, मैंने दूसरा सही से मुझे याद है क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं। तो यहाँ पे जो है ना हम लोग करने लगे थे सेलिब्रेशन, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है ना जब बाकी सारी बच्चा पार्टी भी आ गई थी ना उन सब ने मिलकर जो है ना सारे ही बैलून्स जो है ना वो फुला दिए थे।
जी, तो यहाँ पे जो है ना केक कटिंग हो गया था, उसके बाद हम सब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा केक खा रहे थे, और साथ जो है ना हम लोगों ने बहुत ज़्यादा पार्टी की, बहुत ज़्यादा, काफ़ी लेट नाइट तक की, और बहुत ज़्यादा की, और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। सबसे ज़्यादा मज़ा यहीं पे आया था, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला किया था। उसके बाद यहाँ पे नीचे जब सब चले गए, फिर मैं आई मिल का, चलो मैं ज्वेलरी जो है ना अलग करके रख लेती हूँ, क्योंकि कल जो है टाइम नहीं मिलना, फ्राइडे का दिन था और हमने जाना था मेहंदी लगवाना। यहाँ पे हम लोग निकल गए मेहंदी लगवाने, तो सारे डेज की जो है ना मैंने ज्वेलरी जो थी ना वो अलग करके रख ली थी। मेहंदी जो है ना हम लोगों ने टॉन्ची मार्केट में, अली सेंटर है, खान प्लाजे में है अली सेंटर, ये बाहर बोर्ड लगा हुआ है, और इनकी बहुत ज़्यादा क्विक सर्विस है और बहुत ज़्यादा रीजनेबल भी है, ब्राइड ब्राइड की बहुत ज़्यादा रीजनेबल है। तो यहाँ से जो है ना हम लोगों ने मेहंदी लगवाई थी, और यहाँ पे शाल की लग रही थी, और यहाँ पे स्पीड चेक करें बहुत ज़्यादा थी इन लोगों की मेहंदी लगाने में। और यहाँ पे जो है ना छोटा सा मैंने क्लिप ऐड कर दिया, जो हम सबको चूड़ियाँ थी वो हमने पहन के जो है ना वो लगाई की थी। तो यहाँ पे जो है ना हम घर आ गए थे, जुमा वगैरह मैंने पढ़ लिया था, यहाँ पे जो है ना मैं अपना गिफ्ट पैक करने लगी थी, जो मैंने अपनी बहन को दिया है, ये जो था ना सारा स्पून सेट था, तो ये जो है ना मैंने दिया था, मैंने मेहंदी का कलर देखे, और ये जब हम लोग वॉश करे थे और ज़्यादा आई जा रहा था, और ये 1 वीक के बाद भी अभी नहीं उतरे, अभी भी थोड़ी थोड़ी जो है ना मेहंदी हमारे हाथों पे है। तो खैर बहुत अच्छा था, बट ये उतरते हुए ना थोड़ा सा वो खुदरा सा हो गया, चुभ रहा है थोड़ा सा, बस इसकी ये एक है, बाकी बाकी बहुत अच्छा था ये मेहंदी। तो उसके बाद जो है ना यहाँ पे गिफ्ट वगैरह मैंने पैक कर लिए थे, उसके बाद हम लोग जाए थे यहाँ पे पार्लर, और यहाँ पे जो है ना हम लोगों को जो है ना पैदल जाना पड़ा था, और वलीमे वाले दिन भी, वलीमे वाले दिन तो मैं मैक्सी पहन के गई थी पैदल। फ्रोजन शाम को पहनेंगे ना, ये वाला नहीं, हाँ वो वाला शाम को पहनेंगे, ये वाला पहनना है। चले सब ऊपर से मिलने हैं, विशाल चले, अभी नहीं जाना, वो याद कर रही होंगी, कह रही होंगी बिरा शाल आई नहीं, आपको याद नहीं आ रही, आ रही है आपको याद आ रही है, कैसे आ रही है, गिंग 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 करते भी आ रही है, हैं अब कैसे है, गिंग 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 गिंग, खांसी आ गई। जो ये क्लिप था, ये जो था ना वलीमे की सुबह सुबह का था, जब हम लोग नाश्ता लेके जाए थे, तो ये जो है ना वलीमे के बाद की है, जहाँ पे जो है ना हम लोगों ने बहुत ज़्यादा अनार चलाए थे, हम लोग इकट्ठे चलाना चाहते थे, लेकिन कोई भी जो है ना इकट्ठे नहीं चला था, बट खैर हम लोगों ने जो थे ना वो चलाने थे, बहुत ज़्यादा बच गए थे, बहुत ज़्यादा बच गए थे, तो वो जो है ना हम लोग को चलाने थे कि भैया बस ख़त्म करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा थे, तो अब बारी बारी जो है ना हम लोगों ने वही चलाए हैं। और यहाँ पर जो है ना नेक्स्ट डे हो गया था, यहाँ पर जो था ना सब नाश्ता कर रहे थे, और मतलब ब्राइड ग्रूम जो है नाश्ता वाली में सुबह मुकलावे का दिन है। तो जी ये थी मेरी आज की वीडियो, छोटे छोटे से क्लिप से जो के, और अभी आगे भी मुझे अगर कोई मिलता है क्लिप तो वो भी मैं ऐड कर दूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अला हाफिज़। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब लास्ट में कर दीजिएगा।